कांग्रेस के जीत का दावा हुआ पूरा, मुंह काला करवाने से बच गए श्योपुर विधायक बाबू चंदेल, भगवान का किया शुक्रिया। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां एक और दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों का जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, तो वहीं श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंटल ने एक ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली थी जिसकी पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो गई थी। पूरा मामला ये था कि कराहल में 12 अक्टूबर को कांग्रेस के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम दिग्गज नेता कराहल आए हुए थे। उस दौरान मंच से भाषण देते हुए श्योपुर विधायक बाबू जंटल भावनाओं में बह गए और उन्होंने ये दावा कर दिया कि यदि कांग्रेस चुनाव नहीं जीती तो मैं अपना मुंह काला करके विजयपुर विधानसभा के सभी इलाकों में घूमू। मगर अब उनका ये दावा सच हुआ, कांग्रेस चुनाव जीत गई और वह मुंह काला करने से बच गए। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विधायक बाबू जंडेल जी साथ में मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि यदि नहीं जीते तो मुंह काला कर लूंगा। विधायक जी कैसा लग रहा है, जीत गए हो, बहुत बड़ा एक जो आपने चैलेंज किया था वो पूरा हो गया? देखो जो मैंने चैलेंज किया जो मैंने किया वो कर दिया, चुनाव जीत गए। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ जनता को, जो किया वो मैंने कर दिया। क्या लग रहा है सरकार को चुनाव हरा दिया, केवल मंत्री को ही नहीं हराया, क्या लग रहा है? सरकार को चुनाव हरा है, सरकार प्रशासक ने जो करना था बड़ा अत्याचार किया, वोटों को लूटा है, डकैतों को गोली चलवाई है, जो किया हूँ सरकार ने कर लिया। पर मैंने कहा था वो मैंने कर दिया, मेरा काला मुंह भगवान ने बचा लिया। विजयपुर की जनता को कोटि कोटि प्रणाम। विधायक जी कितना कितना क्या विकास होगा? विकास किया, मैं पहले चेयरमैन रहा हूँ जिला पंचायती का, विजयपुर में मुझे विश्वास था। मैंने आदिवासी भाइयों के साथ में काम किया, गरीबों के साथ में काम किया और काम करने की मुझे क्षमता है। मैं श्योपुर में भी दो बार MLA बना हूँ, तो पहले भी मैंने कह दिया कि मैं दोबारा भी जीतूंगा तो मैं जीता हूँ।